बिहार तो एक झांकी है, असली फिल्म 2024 का बाकी है। बिहार ने ली अंगड़ाई, 24 में होगी बड़ी लड़ाई और 25 में बीजेपी की सफाई। बनाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला 2024 में इन्हीं दोनों के चेहरों पर आर और पार होगा। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि अवसरवादी का है, एक को सीएम बनना है, दूसरे को पीएम बनना है, इसलिए गठबंधन हुआ है। हालांकि देखिए, अब इन सब के बीच जो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, वो अब पटना आ रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव दो बार उनसे जाकर खुद मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब वो पटना आ रहे हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री की फील्डिंग जो है बहुत पहले से तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है, इस वजह से गठबंधन भी बन गया है। बात करते हैं आरजेडी से, प्लानिंग प्लॉटिंग तो चल ही रही है पहले से ही। देखिए, बिहार तो एक झांकी है, असली फिल्म 2024 का बाकी है। बिहार ने जब अंगड़ाई ली है, बिहार ने ली अंगड़ाई, 24 में होगी बड़ी लड़ाई और 25 में बीजेपी की सफाई, ये बीजेपी वाले सोच लें। के चंद्रशेखर राव से पहले तेजस्वी यादव लोग आएंगे, तेजस्वी यादव पहले मुलाकात करने गए थे और अब वो खुद आ रहे हैं। बिहार तो गवाह रहा है कि देश की सत्ता का परिवर्तन का। जब जब बिहार जागा है, जब जब बिहार खड़ा हुआ है, देश में बड़े से बड़े ताकतवर सत्ता को उखाड़ फेंका है, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंका है। तो इस बार बिहार से शुरुआत हुई है, जो बिहार से हवा निकला है, जो संदेश निकला है, वो देश की सिंहासन को खाली, बीजेपी को देश की सिंहासन से खाली करा कर ही दम लेगी। ये बीजेपी नेताओं की बेचैनी इस बात को बता रही है कि बीजेपी के सारे नेता अब यहीं कैंप करेंगे, डेरा डालेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरुआत कर दी है कि बात होगी रोजगार की। प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, 19वें नंबर पर नीतीश कुमार विपक्ष में है, 19वें नंबर पर उनका चेहरा सामने आ रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष की ओर से। ये कितने नंबर पर, हम तो जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बनाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला 2024 में इन्हीं दोनों के चेहरों पर आर और पार होगा, ये सबको पता है। इसके लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समय आने दीजिए, आगे आगे देखिए। ये तो किसी ने सोचा नहीं था जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे। वो पटना आ रहे हैं तो क्या करेंगे आखिर? हम तो कह रहे हैं, कौन आ रहे हैं? के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब सारा चीज़ तो अभी नहीं बता दें। आ रहे हैं, बिहार के अच्छे दिन आ गए, अब भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाने वालों ने तो बुरे दिन ला दिए, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि बिहार ने जो खेला हुआ उसका साइड इफेक्ट 2024 के चुनाव में पड़ेगा, इससे बीजेपी नेताओं की बौखलाहट से पता चल रहा है। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है तो ये तो सिर्फ एक झांकी है, लेकिन पूरे देश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तेजस्वी यादव लगातार पहले से कई बार जो है वो तेलंगाना जा चुके हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ रहे हैं राजधानी पटना। आखिरकार क्या बिहार से ही शुरुआत होगा केंद्र को लेकर, जिस प्रकार से 2024 में चुनाव है लोकसभा का, देखना होगा कि होता क्या। एवरेज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।